हैदराबाद गैंग रेप मामले में पुलिस ने अभी तक 5 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक रेप में शामिल 3 आरोपी नाबालिग है, जिनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। केस में 3 आरोपियों का बैकग्राउंड सियासी बताया जा रहा है, तो वहीं पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज भी लगा है। आपको बता दें कि घटना 28 मई की है, जहां लड़की के पिता 1 जून को आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तो वहीं IPC की धारा 354 के तहत हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में यह केस दर्ज किया गया था। तो वहीं घटना की जांच कर रहे हैदराबाद वेस्ट जोन के DCP जोनल डेविस ने बताया कि पीड़िता आरोपियों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, उसने सिर्फ अभी तक 1 का नाम बताया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, CCTV फुटेज हासिल कर लिए गए हैं, इनमें से 5 आरोपियों की पहचान की गई है। तो वहीं जोनल ने आगे कहा कि 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। होम मिनिस्टर के बेटे के शामिल होने के आरोप बेबुनियाद हैं। एक VIP का बेटा है, जिसे नाबालिग होने के कारण रात में हिरासत में नहीं लिया गया। पीड़िता के बयान और CDR एनालिसिस से साफ हुआ है कि वह 5 आरोपियों में शामिल नहीं था। तो वहीं मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि जब कार अंधेरे में सुनसान जगह पर रुकी, तो इन लड़कों ने पहले लड़की के साथ मारपीट की। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने से पहले सभी आरोपी एक पेस्ट्री की दुकान पर गए थे। आसपास के लगे CCTV फुटेज पर आरोपियों की पहचान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।